आजकल लोग बॉलीवुड की चमक धमक देखते हैं, लेकिन इनके पीछे स्टार्स और उनकी जिंदगी से जुड़े सच की तरफ कोई नहीं देखता। ये कामयाबी उन्हें ऐसे ही नहीं मिली, बल्कि ये नाम और शोहरत उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से कमाई है। आज अगर सलमान, शाहरुख, अमिताभ, कंगना कामयाब हैं, तो उसके पीछे उनका स्ट्रगल भी आता है। तो चलिए जानते हैं क्या करते थे अपने स्ट्रगल पीरियड के दौरान ये स्टार। सलमान का सबसे बुरा टाइम था जेल, जब वे जेल गए थे तब वो काफी डिप्रेशन में गए और पागल होते होते बचे। उस समय इनके दोस्त और फैमिली ने इन्हें संभाला और तब सलमान ने सीखा, जिंदगी मेरा मजाक उड़ाए, इससे पहले मैंने जिंदगी का मजाक उड़ाना सीख लिया और आज वो बॉलीवुड के सुल्तान हैं। कंगना रनौत, स्ट्रगल के दौरान कई बार ऐसा हुआ जब उनके पास रात के खाने के पैसे नहीं होते थे तो वो वड़ा पाव खाकर या कई बार भूखे ही समय निकाल देती थी, लेकिन आज देखिए वो कामयाब हैं। अमिताभ को अपने करियर में कई रिजेक्शंस और उतार चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन जब उनका समय आया तो लाइन वहीं से शुरू हुई जहां वो खड़े होते थे। शाहिद कपूर, लगातार फ्लॉप फिल्मों ने इन्हें इतना नर्वस कर दिया कि इन्हें अपने एक्टर होने पर भी शक होने लगा। वह विवाह फिल्म की शूटिंग के दौरान ये हर शॉट के बाद बड़जात्या से पूछते, मैंने अच्छा किया ना? विवाह और कमीने जैसी हिट देने के बाद इनका आत्मविश्वास वापस लौटा और आज शाहिद भी अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहे हैं। अक्षय कुमार, लगातार 14 फ्लॉप देने के बाद जब इनके एक्टिंग स्किल पर उंगलियां उठी तो यह वक्त अक्षय के लिए बहुत ही मुश्किल भरा था, लेकिन आज उन्होंने अपने आप को साबित किया है और बॉलीवुड को कई लगातार हिट्स दी हैं। विद्या बालन ने भी कड़ा स्ट्रगल किया, टीवी और साउथ में कामयाबी ना मिलने के बाद निराश नहीं हुई, तब भी हिम्मत रखी और तब इनकी फैमिली ने इनको सपोर्ट किया और अपनी कड़ी मेहनत से आज विद्या ने बॉलीवुड में अपना एक नया मुकाम हासिल किया है जो आज तक बहुत ही कम एक्ट्रेसेस को मिला हो।